भाई वो झंडे में मोहतरम जनाब जी संत मिजन साहब हमारे मुस्तफा साहब मौजूद हाजिर इकराम मेरी माँ और बहनों मैं आप तमाम से एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि 6 अप्रैल के दिन आप तमाम लोग इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जी संत मिजन साहब को जो एक्स लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं उनको प्रेशर कुकर के निशान पर बटन दबाकर उनको तमिलनाडु के असेंबली में दोबारा अपना एमएलए बनाकर भिजाइए। आप लोग जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस इलेक्शन में टीटी दिनाकरन साहब की पार्टी है एमएनकेएफ के साथ अलायंस में है और हमारी पूरी कोशिश ये है कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक थर्ड पॉलिटिकल फ्रंट टीटी दिनाकरन के रूप में इमर्ज हो। हमेशा यहाँ पर टू पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन रहा है। ये एक बेहतरीन हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी आई है, एक डेमोक्रेटिक स्पेस और उसका वैक्यूम भी है जो मुझे यकीन है कि टीटी दिनाकरन साहब उस पॉलिटिकल स्पेस और वैक्यूम को फिल करेंगे। इस असेंबली इलेक्शन में यकीनन तमाम मैडम जयललिता अम्मा के सपोर्टर्स को भी कमी महसूस हो रही होगी, मगर मैडम जयललिता अम्मा के लेगेसी को अगर कोई आगे लेकर जा सकता है तो उस शख्स का नाम टीटी दिनाकरन है। आज तमिलनाडु की गरीब आवाम, आज तमिलनाडु की हमारी माँ और बहनें वो ये देख रही है कि उनका इस वैक्यूम को कौन फिल करेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा आप टीटी दिनाकरन साहब के हक में अपना वोट दीजिए, उनको कामयाब करिए और हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर एक थर्ड पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के तौर पर AMM के उभरे इमर्ज हो और हमारा दिनाकरन साहब से रिलेशनशिप सिर्फ ये पॉलिटिकल रिलेशनशिप नहीं रहे, ये इलेक्शन के बाद भी हम इनके साथ रहेंगे और इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे। मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर उंगली उठाते हैं और ये कहते हैं कि वो काटने आए हैं या बीती है, आप इनसे खुद पूछिए कि ये लोग DMK और कांग्रेस पार्टी के लोग क्या कर रहे थे जब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का बिल बनाया जा रहा था तो कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बिल की तारीफ कर रही थी। ट्रिपल तलाक का बिल आया, मैंने डिवीजन मंगाकर पूछा और वोटिंग का मुतालबा किया तो DMK और कांग्रेस पार्टी वोट नहीं देते। जब CAA का कानून पार्लियामेंट में आया तो आपने देखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने CAA कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देकर उसको फाड़ा, मैंने डिवीजन का मुतालबा किया तो DMK के MPs और कांग्रेस के MPs मेरे अमेंडमेंट का साथ नहीं दिए। मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या डिमांड कर रहा था कि CAA को रिलीजियस न्यूट्रल बनाना चाहिए, मगर DMK और कांग्रेस पार्टी साथ दे रहे थे। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना की सपोर्ट कर रही है, एक कम्युनल पार्टी है शिवसेना, और उल्टा हम पर और टीटी दिनाकरन साहब से क्वेश्चन करते हैं। वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि इस असेंबली इलेक्शन के बाद AMK में EPS और OPS नहीं रहेंगे, वो यकीनन उनको डिफीट मिलने वाली है क्योंकि AMK ने नरेंद्र मोदी के साथ अलायंस किया है और नरेंद्र मोदी और BJP पूरे कंट्री में फैसिज्म और कम्युनिज्म को प्रमोट कर रही है। ये इलेक्शन आपको एक बेहतरीन हिस्टोरिकल एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप AMK का साथ देकर फैसिज्म को और कम्युनिज्म को डिफीट करें और वहीं पर साथ साथ आप DMK और कांग्रेस के इस अपॉर्चुनिस्टिक और अनहोली अलायंस को भी शिकस्त देकर एक बेहतरीन आदमी जनाब जी संत मिजन साहब को जो आपके एक्स लॉ मिनिस्टर हैं उनको कामयाब करके यहाँ से अपने एमएलए बनाकर भिजाइए। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आप तमाम की ओर और तारीफ की बिना पर वो कामयाब होंगे। वहीं पर आप जानते हैं कि तमिलनाडु की में मुस्लिम माइनॉरिटी का पॉपुलेशन 7% है
और जेलों में मुसलमानों का पॉपुलेशन 11% है। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है, कौन पूछने वाला है? आज सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन तमिलनाडु में दलित और मुस्लिम माइनॉरिटी के हैं। ये इश्यूज हमारे से कंसर्न है। मेरा आने का मकसद यहाँ पर तमिलनाडु पे ही है कि ये प्रॉब्लम इसका हल हो और यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी के इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस बने। इसके लिए आप तमाम से मेरी दरखास्त है, अपील है कि आप 6 अप्रैल के दिन प्रेशर कुकर के निशान पर बटन दबाकर टीटी डिनर